हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। सो मैं एक नए लाइव क्लास, एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसका टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक डिजीज़ कंडीशन है, हार्ट की डिजीज़ कंडीशन। अब ये डिजीज़ कंडीशन है, कहाँ की होती है, कैसे होती है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, इन सब को जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, rgcsk.edu को। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हृदय, मतलब जो हमारा हार्ट होता है, उसकी बीमारी है। अब हार्ट में भी कहाँ की बीमारी है, हार्ट में लेयर्स होती हैं, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, तीन लेयर्स होती हैं। तो जो एपिकार्डियम होती है वो इनर मोस्ट होती है, और उसके बाद मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, पेरिकार्डियम उसके ऊपर की लेयर, आउटर लेयर। सो बात करेंगे मायोकार्डियम लेयर में इन्फार्क्शन की। इन्फार्क्शन मतलब कि कहीं पे नेक्रोसिस हो जाना, ये ब्लड सप्लाई का या ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना। तो ऐसे ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं। MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को MI भी बोलते हैं। MI ऑल्सो नोन एज अ हार्ट अटैक इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो थ्रू वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को MI बोलते हैं, और इसका अनदर नेम है हार्ट अटैक, हृदय आघात, जो कि क्यों होता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, जैसे कि नाम है इन्फार्क्शन, नेक्रोसिस, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो कम हो गया है थ्रू वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, एक कोरोनरी आर्टरी में, किसी एक कोरोनरी आर्टरी में, या फिर कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो गया, सप्लाई वहाँ पे कम हो गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पा रहा है। सो MI एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इट रिजल्ट इन मायोकार्डियल इश्चीमिया एंड नेक्रोसिस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कहीं पे ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इश्चीमिया, नेक्रोसिस, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगेगा, और उस जगह, वो जो प्रॉपर जो जगह है ना, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, वो जगह क्या होगी, धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी, अपने फंक्शन को प्ले नहीं करेगी, जो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो प्ले नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट वी विल नो हार्ट अटैक मेडिकली नोन एज अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मेडिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ डेडली मेडिकल इमरजेंसी वेयर योर हार्ट मसल्स बिगिंस टू डाई बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मैंने अभी बताया था कि हार्ट अटैक होता है, मेडिकली इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, ये भी बता चुकी हूँ। ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, अचानक से पता चलता है कि जो पेशेंट है उसको बस चेस्ट में पेन अराइज हुआ, और चेस्ट में पेन अराइज होते हुए क्या है, रेडिएटिंग पेन होता है, और जल्दी से वो हॉस्पिटल के लिए भागता है, इसलिए इसको एक मेडिकल इमरजेंसी बोला गया है। यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है, मैंने बताया था कि उसमें लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर, ठीक है, वो जो मसल्स होती है उनमें क्या होता है, वो डाई होने लगती है, मतलब अपने फंक्शंस को प्ले नहीं कर पाती, क्यों, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से। अ ब्लॉकेज इन द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट यूजुअली कॉज MI। यूजुअली क्या होता है, ज़्यादातर केसों में क्या देखा गया है कि एक ब्लॉकेज आ जाता है आर्टरी में। अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज आया, ब्लड फ्लो स्टॉप होने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अगर कहीं पे एक छोटा सा ब्लड क्लॉट या कोई ब्लॉकेज आ गया, मान लिया कोलेस्ट्रॉल का ही ब्लॉकेज आ गया, तो फिर क्या होगा, जो हार्ट है ना, वहाँ की आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड सप्लाई है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और यही यूजुअली क्या कॉज कर देती है, MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नेक्रोसिस, या फिर क्या होने लगा, यहाँ वहाँ पे ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल नो, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है हार्ट की है, जिसमें दिखाया गया है कि एक आर्टरी है उसमें किस तरीके से ब्लॉकेज हो रहा है। ये जो ब्लॉकेज है, ये जो येलोइश कलर, येलोइश डिस्कलरेशन या येलो कलर का जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज दिखाया गया कि किस तरीके से आर्टरी में क्या है, हो सकता है ये कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप का कुछ बन गया, और जिसकी वजह से क्या है, आर्टरी में ब्लॉक हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है। नेक्स्ट वी विल नो एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब होता है, एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि अभी तक इस तरीके के कितने केसेस देखे गए हैं, या फिर क्या इसकी रेट है, इन केसेस का क्या रेट है।
सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्टर्न यूरोप. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है, डेथ के लिए लीडिंग कॉज है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप में. डेथ यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द कार्डियक डैमेज और कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई. एमआई से अगर हमने एमआई को ट्रीट कर लिया देन इट ओके. लेकिन अगर यही एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम ट्रीट नहीं कर पाते, इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से इसका क्या रिजल्ट होता है? कार्डियक डैमेज. और कार्डियक हमारी बॉडी का जो हार्ट है, कार्डियक सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो हमारी बॉडी का क्या है, वाइटल ऑर्गन है, जो कि क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है. और इससे क्या है, फिर क्या हो गया, अगर कार्डियक ही डैमेज हो गया तब क्या होगा, डेथ होगी. यूजुअली एमआई का कॉम्प्लिकेशन होता है कार्डियक डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ. ईच ईयर अप्रॉक्सीमेटली पीपल 90,000 पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट एक्सपीरियंस एमआई. 90,000 पीपल ईच ईयर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली क्या है, यूनाइटेड स्टेट में क्या करते हैं, एमआई को एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ कितने केसेस मेडिकल इमरजेंसी में आए हैं, कितने केसेस आ गए हैं. उस चीज़ को जब हम काउंट करते हैं यूनाइटेड स्टेट में तो उसको क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में काउंट करते हैं. सो यहाँ पे हमने जाना कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या है, एक लीडिंग कॉज है डेथ का, क्या है, लीडिंग कॉज है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में. सो नेक्स्ट वी विल नो मॉर्टेलिटी इज हाई व्हेन द ट्रीटमेंट इज डिलेड एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सडन डेथ ड्यू टू एमआई अकर बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन विद इन वन आवर ऑफ वंस ऑफ सिम्टम्स. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एपिडेमियोलॉजी में एक चीज़ और ऐड की गई है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो हाई कब होती है, जब ट्रीटमेंट को डिलेड किया जाता है. जब ट्रीटमेंट को क्या कर दिया जाता है, डिलेड मतलब देर हो गई, मतलब एमआई है पर्सन को, सिम्टम्स आए, लेकिन क्या हुआ, किसी वजह से या फिर पता नहीं चला, तो किसी वजह से क्या है, डिलेड हो गया. और उसके वजह से क्या बताया था मैंने लास्ट में कि कॉम्प्लिकेशंस होती है एमआई की, जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ होगा. या फिर हॉस्पिटलाइजेशन से पहले, हॉस्पिटल तो हम पहुंच गए लेकिन उससे पहले इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि विद इन वन आवर ऑफ सिम्टम्स क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी. द प्रोग्नोसिस इम्प्रूव्स इज वेगरस ट्रीटमेंट बिगिंस इमिडिएटली. अगर प्रोग्नोसिस क्या है, इम्प्रूव हो सकती है. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है डे बाई डे पेशेंट में कितनी इम्प्रूवमेंट ट्रीटमेंट की वजह से दिख रही है, तो ये इम्प्रूव हो सकता है. एमआई को इम्प्रूव किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि एमआई के वजह से डेथ ही हो जाए पर्सन की, इम्प्रूव किया जा सकता है. लेकिन अगर हम इमीडिएटली क्या है, ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं तब हम एमआई को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और डे बाई डे इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस हो सकती है, और पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल नो कॉजेस मीन्स कारण, किस वजह से क्या हो रहा है, एमआई का कारण क्या है. प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर में क्या क्या आएगा, हेरिडेटरी, किस वजह से एमआई हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने का क्या कारण है, उसमें एक जो पहला कारण जो बताया गया है वो हेरिडेटरी मतलब पहले से किसी फैमिली मेम्बर्स को हो, फैमिली में किसी को है, जैसे मदर को हो गया, फादर को हो गया, ग्रैंड फादर को हो गया, या फिर ग्रैंड मदर को हो गया, या फिर मैटरनल साइड पे किसी को है, नानी को है, नाना को है. इस तरीके से अगर किसी को एमआई या फिर कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ है तो ये प्रोन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 80% 90% चांसेस होते हैं कि जो पर्सन है नेक्स्ट जनरेशन के, उनको एमआई होने के या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं. तो नेक्स्ट इज जेंडर मीन्स मेल और फीमेल, है ना. तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए, मेन एंड पोस्ट मेनोपोजल मोर ससेप्टेबल टू एमआई कंपेयर टू प्री मेनोपोजल वुमेन. मेन मतलब जो मेल्स होते हैं, मेल्स में और जो पोस्ट मेनोपोजल जो फीमेल्स होती हैं आर मोर ससेप्टेबल टू एमआई. एमआई के लिए क्या होती है, मोर प्रोन होती है, उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. कंपेयर टू किससे, प्री मेनोपोजल वुमेन्स को ये जो एमआई की प्रॉब्लम है, ये जो कार्डियक की प्रॉब्लम है, वो क्यों कम होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हार्ट पे क्या है, हार्ट के जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं क्या ज़्यादा देखी गई, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, मेनोपोज
पोस्ट मीनोपोजल जो वुमेंस होती है ना उनमें क्या होता है, फिर उसके बाद चेंजेस होने लगते हैं हॉर्मोन्स के। हॉर्मोन चेंजेस की वजह से क्या देखा गया है फीमेल्स में ज़्यादा MI, इसलिए मेन, सो इसलिए मेन में और पोस्ट मीनोपोजल वुमेन में ये ज़्यादा देखा गया है। बट द इंसिडेंस इज राइजिंग अमंग वुमेन स्पेशली दोज हु स्मोक एंड टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन अब ये भी देखा गया है कि ये जो इंसिडेंस है वो क्या है, अभी ऐसी वुमेन्स में ज़्यादा दिख रहा है जो स्मोक कर रही हैं या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं। अभी यहाँ पे स्मोक से क्या रिलेशन है, क्यों ज़्यादा हो रहा है स्मोक जो कर रही हैं उन फीमेल्स में, क्यों ज़्यादा हो रहा है ये MI? क्योंकि जब वो स्मोकिंग करते हैं तब क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज करता ही करता है, पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कहाँ से, कार्डियोवैस्कुलर से। क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आता है लंग्स। लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई किया, प्योरीफाई करके हार्ट को दिया, हार्ट ने क्या किया पूरी बॉडी को दिया। अब जब स्मोक की वजह से हमारा लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, अब वो क्या होगा, लंग्स सही से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को भी क्या है इफेक्ट होगा, और जिसकी वजह से मायोकार्डियल MI होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं उनको भी क्या है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंसिडेंस रेट उनमें भी देखा गया है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सेम चीज़ होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है, हॉर्मोनल पिल्स होती हैं जो कि क्या है हमारी बॉडी में हॉर्मोनल चेंजेस करती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर में भी क्या है चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से MI या फिर इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर इनमें देखा गया है कि इंसिडेंस रेट क्या है हाई हो गई है। हाइपरटेंशन का सीधा सा मतलब है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। BP जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है, लेकिन जब यही ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 हो जाए, 90 mm of Hg हो जाए, तब क्या है जो पर्सन है वो यंग एज में भी क्या है MI के क्या है मोर प्रोन होता है, हाई रिस्क पे होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर मतलब कि आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो जो प्रेशर क्या, कौन सा प्रेशर ये लगा रहा है आर्टरीज पे, उसकी चारों दीवारों पे, उसके प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो वही प्रेशर जब बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा वहाँ पे जो आर्टरी है वो रप्चर होना स्टार्ट होगी। जब रप्चर होगी तो यही कॉज करेगी क्या MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यंग एज पे भी अगर हाइपरटेंशन है सो यू शुड बी अलर्ट, क्योंकि MI होने के चांसेस क्या है बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट वी विल नो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में, कॉजेस में, रिस्क फैक्टर में, और नेक्स्ट आता है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग वही सेम जैसे मैंने बताया कि अगर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर स्मोक कर रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होता है, और लंग्स का काम होता है कि ब्लड को प्योरीफाई किया, और प्योरीफाई करने के बाद लंग्स को हार्ट को दिया, हार्ट से क्या है फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर स्मोक किया तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी इफेक्ट हुआ तो कार्डियोवैस्कुलर भी इफेक्ट होना ही होना है। तो नेक्स्ट सीरम एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल। ये जो बताया गया है कि सीरम एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड, ये जो पर्सन हाई जंक फूड खाते हैं, ठीक है, जिनके फूड में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल ये ज़्यादा होता है, फिर वही चीज़ उन्होंने क्या किया, ईट किया, एडेबल फूड्स में लिया, उनकी बॉडी में इसकी मात्रा जैसे ही बढ़ी ना, तो इसको क्या करता है बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। हमारा जो एक बॉडी होता है, जो सिस्टम है हमारा, उसको भी मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी है। जो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से जब मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी तो ये जगह जगह पे आर्टरीज पे जाके क्या, आर्टरी को ब्लॉक करेगी, वहाँ पे जाके स्टक हो जाएगी। फिर अगर ये हार्ट की एक कोरोनरी आर्टरी में जाके अगर स्टक हो गई, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ये एक्युमुलेशन इसका बढ़ जाता है, जब भी एक्युमुलेशन बढ़ेगा कोरोनरी आर्टरीज में जाके एक्युमुलेट करेगा, स्टक होगा, और फिर वहाँ के ब्लड फ्लो को क्या करेगा, रोक देगा। और जैसे ही वहाँ का ब्लड फ्लो रुकेगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्कीमिया, हार्ट अटैक, इस तरीके के चांसेस क्या है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस से स्टार्टिंग होगी। सो इसीलिए बताया गया है कि अगर सीरम एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इनका लेवल अगर एलिवेटेड है तो इट विल मे लीड टू MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ओबेसिटी नेक्स्ट इज, ओबेसिटी नेक्स्ट कॉज में क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा,
ऐसे ही बोलते हैं कि जो मोटा शरीर होता है, जो मोटापा होता है, वो बीमारियों का घर होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, जो जितने भी ओबीस पर्सन हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, और वो अगर तरीके के जंक फूड खा रहे हैं, अलग अलग टाइप के फूड्स खा रहे हैं जिसमें डालडा, घी, तेल, इस फैट्स, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इससे क्या होगा, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल है वो उनकी बॉडी में बढ़ेगा, और फिर जो कोलेस्ट्रॉल है और ये जो लाइपोप्रोटीन है ये जा करके आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे, और जब ये आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे देन इट विल लीड्स टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट। सेम थिंग, अगर हम सैचुरेटेड फैट का एक्सेसिव इनटेक करेंगे, पूरी हो गया, पराठा हो गया, या फिर जंक फूड हो गया, इस तरीके की चीज़ हम एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, एक जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है मेटाबॉलिज्म की उसके बियॉन्ड अगर हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स को लेते हैं, देन इट विल लीड टू द मायोकार्डियल इस्कीमिया, क्योंकि ये क्या करेगा, आर्टरी को जाके ब्लॉक करेगा, और जैसे ही ब्लॉकेज हुआ MI इन्फार्क्शन, वहाँ के जो भी सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल नो नेक्स्ट कॉज में क्या आएगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक लाइफस्टाइल होती है ना कि नहीं आज हमने क्या किया, मॉर्निंग में तो ठीक है लाइट हमने नाश्ता ले लिया, फिर क्या किया हम काम पे चले गए, वहाँ से वापस आते समय क्या किया हमने जंक फूड खा लिया, या फिर जंक फूड खाने के बाद क्या किया फिर हमने आराम किया, फिर क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। अगर हमारी लाइफस्टाइल को हम सही अच्छे से लेकर के चलेंगे, मॉडिफाई करके चलेंगे कि जैसे हमारा जिस तरीके का हमारा काम है उसी तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारे लाइफस्टाइल से मैच करे, देन क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे स्लो हो जाएगा। अगर हम क्या है फैट्स खा करके आराम कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है ब्लॉकेज होगा और MI होगा। नेक्स्ट इज एजिंग 35 to 40 ईयर मेल इज मोर कॉमन। एजिंग में इसमें बताया गया है कि जो मेल्स हैं उनमें जो 35 से 40 साल के जो मेल हैं उनमें मोर कॉमन है MI, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, इनमें भी 35 टू 40 ईयर्स में क्या है ओल्ड एज में या एल्डरली एज में चले जाते हैं पर्सन, तो इसमें क्या होगा एज फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या आने लगेगा एजिंग फैक्टर्स, इसमें क्या होगा साइकोलॉजिकल चेंजेस, हॉर्मोनल चेंजेस और इस तरीके की चीज़ें होने लगती, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल्स हैं या फिर हार्ट का फंक्शन है वो क्या होगा धीरे धीरे डेमिनिश होने लगता है, या फिर मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो डेमिनिश होने लगता है। तो ये क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म का फंक्शन डेमिनिश हो गया, उसने कार्डियोवैस्कुलर फिर क्या किया कि मेटाबॉलिज्म का फंक्शन डेमिनिश हुआ और ब्लड में क्या हुआ चला गया कोलेस्ट्रॉल, फिर वो पहुंचेगा हार्ट तक और फिर ये कॉज करेगा क्या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसलिए कहा इसको क्या किया गया एजिंग में रखा गया है कि जो मेल हैं 35 टू 40 ईयर्स के, जो एल्डरली हैं या ओल्ड एज के हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या स्टार्ट हो जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। स्ट्रेस और टाइप ए पर्सनैलिटी, स्ट्रेस और टाइप ए पर्सनैलिटी, स्ट्रेस या फिर टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप ए पर्सनैलिटी वाले जो पर्सन होते हैं उनको स्ट्रेस, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कोई छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं बहुत बड़ा अटेंशन की तरीके से लेते हैं, उनको क्या है छोटी सी बात पे क्या हो जाएगा डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। अगर उनको छोटा सा कोई टास्क भी दिया गया है तो उनको स्ट्रेस हो जाएगा, और जब भी हमें स्ट्रेस होता है या फिर हमने बहुत बड़ा हमें कोई टास्क मिल गया हो गया तो फिर क्या होता है कभी कभी हमें भूख भी नहीं लगती, तो इसका क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म स्लो, और जहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा वहाँ पर क्या है एक्यूमुलेशन फैट का या कोलेस्ट्रॉल का होना ही होना है, और जैसे ही एक्यूमुलेशन होगा MI को लीड करेगा। ड्रग यूज़ स्पेशली कोकेन एंड एम्फेटामाइंस, ये ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि मैंने अभी बताया था स्मोक, ठीक है उसी तरीके से ये ड्रग्स भी हैं, अगर इन ड्रग्स को कोई लेता है तो ये भी क्या करती हैं हमारा जो ब्लड है उसको अफेक्ट करती हैं, और ब्लड को अफेक्ट करेंगी जिसकी वजह से क्या है MI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल नो नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जानने से पहले कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है हम ये जान लेते हैं कि आखिर पैथोफिजियोलॉजी वर्ड क्या है, क्यों इसको जो है इसमें रखा गया है, क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी पैथो मतलब होता है डिजीज कंडीशन, कहीं पे क्या है कोई एटियोलॉजी कोई कारण है जिसकी वजह से कोई डिजीज कंडीशन हो रही है, तो पैथोफिजियोलॉजी कोई डिजीज कॉज होने का क्या रास्ता है, कैसे कैसे एक डिजीज होती चली जा रही है, पहले कुछ हुआ कोई कॉज आया होगा फिर कहीं पे कोई चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से एट लास्ट में पता चलता है कि MI है।
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें डेथ होने लगी है, तो ये कोई एक रास्ता होगा, होता होगा, कोई अचानक से तो हो नहीं जाता है। तो बस वही हम जानेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू एथरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाई एन एम्बोलस एंड थ्रोम्बस एंड अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ड्यू टू एथरोस्क्लेरोसिस, नया वर्ड आ गया, नया वर्ड नहीं है, इसमें क्या है, जो ब्लॉकेज हो रहा है ना एथरोस्क्लेरोसिस में, क्या होता है कि एक आर्टरी है, अगर उसमें कोई एम्बोलस थ्रोम्बस, चाहे वो ब्लड का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो, इस तरीके का अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, एक ब्लड फ्लो में, आर्टरी में, तो उसकी उसी को हम क्या बोल देते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस। एंड ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी, ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाई एन एम्बोलस और थ्रोम्बस, वही सेम चीज़ है कि किसी आर्टरी में क्या है, कोई एम्बोलस या थ्रोम्बस की वजह से ऑक्लूजन हो गया। ऑक्लूजन मतलब बाधा आना, जिसको हम बोलते हैं कि इसके आगे अब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। एंड अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कारण, कारण जैसे मैंने अभी बताया एथरोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई, ठीक है, या फिर अनसेचुरेटेड फैट खा रहे हैं तो वो जाके जम गया, इस तरीके की चीज़ें। तो एक ये पहले तो आया कारण कि क्यों हो रहा है, शुरुआत हो गई डिजीज कंडीशन की, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया पता नहीं है, या फिर ऑक्लूजन हो गया पता नहीं है, तो ये स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग होने के बाद फिर क्या हो गया, चेंज इन द कंडीशन ऑफ द प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरी। अब जो प्लेग की कंडीशन है ना, प्लेग मतलब होता है वही जो थ्रोम्बस है या फिर जो एथरोस्क्लेरोसिस है वो बिल्कुल स्टक हो गया है, वहाँ से जो वो आर्टरी है उसके आगे वो जा ही नहीं रहा है, आर्टरी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तो चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द प्लेग, प्लेग की कंडीशन में क्या हो गया, चेंजेस हो गया, आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे तो स्टार्टिंग हुई थी, कोई रीज़न आया, कोई कारण आया डिजीज शुरू होने का, वहाँ स्टार्टिंग हो गई, फिर क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो गया, उसमें चेंजेस होने शुरू हो गए और अभी भी पता नहीं है डिजीज कंडीशन का, वहाँ पे प्लेग आर्टरी, प्लेग क्या हो गया, आर्टरीज में क्या है, प्लेग जमने लगा। फिर नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, कभी भी हमारी बॉडी में अगर कोई चेंजेस होना शुरू हुआ हार्ट में इस तरीके का, क्योंकि वहाँ पे ब्लड है, तब क्या होगा, वहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स है ना वो उनका एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका क्या होगा, एडरेशन, एडरेशन का मतलब होता है जमना, एक जो वो जहाँ पे वो प्लेक प्लेक है ना वहीं पे प्लेटलेट्स आके और ऊपर क्या करेंगी, एड्रेशन करने लगेंगी, ऊपर से जमती चली जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, और इसकी वजह से क्या है, एक पूरा थ्रोम्बस बन जाएगा जिससे पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। सो सबसे पहले क्या हो गया पैथोफिजियोलॉजी में, एथरोस्क्लेरोसिस या फिर ऑक्लूजन हुआ, होने के बाद फिर क्या हो गया, जो वो ऑक्लूजन था वो थोड़ा अपने को उसने चेंज किया, फिर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई क्योंकि आर्टरी को पता चल गया, या फिर हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम था उसको पता चला कि हाँ कोई कोई प्लेग बन रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो गया। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, वहाँ पे जो प्लेग था उसने क्या किया, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने की वजह से थ्रोम्बस फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट, थ्रोम्बस फॉर्म होने की वजह से इस्कीमिया ऑफ टिश्यू इन द रीजन सप्लाइड बाई द आर्टरी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्कीमिया, इस्कीमिया ऑफ द टिश्यू इन द रीजन सप्लाइड बाय द आर्टरी, जिस रीजन में वो प्लेग फॉर्म हुआ है ना वहीं पे क्या होगा, जो वहाँ की टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया, कट ऑफ ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन। फिर कोरोनरी ब्लड सप्लाई लेस देन डिमांड, जितना डिमांड है कोरोनरी आर्टरी को, ठीक है, या फिर कोरोनरी आर्टरी से जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि प्लेग आ गया है, वहाँ पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई हैं, वहाँ पे एक थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या है, ऑक्लूड हो गया है, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। सेल आर डिप्राइड ऑफ ऑक्सीजन, अब वहाँ की जो सेल्स हैं, क्योंकि ब्लड ही क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और ब्लड ही फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ की सेल्स हैं उनमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्राइड हो गई, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही सही तरीके से, जिसकी वजह से मायोकार्डियल सेल डेथ, सेल से ही मसल्स बनी होती हैं, तो जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनकी डेथ शुरू हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस से फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स हुआ, उसके बाद थ्रोम्बस फॉर्म हुआ, थ्रोम्बस फॉर्म होने के बाद जहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हुआ था वहाँ की जो टिश्यू है वहाँ पे इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया के वजह से या फिर
इस्टीमिया की वजह से क्या हुआ, फिर वहाँ पे इस्टीमिया हो गया, फिर कोरोनरी ब्लड सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, फिर वहाँ की जो मायोकार्डियम सेल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन अगर कम हुआ या फिर ब्लड सप्लाई कम हुआ तो क्या होगा, मायोकार्डियल सेल डेथ, मायोकार्डियम इन्फार्क्शन यहाँ पे पेशेंट को हो गया है। तो ये एक पैथ था कि किस तरीके से ये डिजीज कंडीशन हो रही है, उसी को हमने बोल दिया पैथोफिजियोलॉजी, किस तरीके से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन इन्फार्क्शन, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अच्छा, यहाँ तक तो डिजीज कंडीशन हो गई, अब डिजीज कंडीशन होने के बाद क्या क्या और सिम्टम्स, या फिर ये बोल सकते हैं कि हार्ट में और क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। डिजीज कंडीशन तो हमारी खत्म हो गई कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इस इन्फार्क्शन के वजह से क्या क्या दिख रहा है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब मायोकार्डियम जो लेयर होती है वहाँ पर उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अब जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो गई, किसकी, जो हार्ट की मसल्स है, मायोकार्डियल मसल्स डिक्रीज। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि मायोकार्डियम के मसल्स ही काम नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा नहीं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो फंक्शन प्ले कर रहा है वो होगा नहीं। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन ही डिमिनिश हो गया तब कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही इन्फार्क्शन होता है वैसे ही सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं रहेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन डिमिनिश्ड हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल सी फॉर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखेंगे। अभी जो मैंने इससे पहले बताया था कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, अब इसके बाद ये तीन चीज़ें हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज होने के साथ साथ जो कार्डियक आउटपुट था वो डिक्रीज हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो तो हार्ट के अंदर हो रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब जब वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन प्ले नहीं हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, तो कुछ सिम्टम्स आएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वो सिम्टम्स अलग अलग सिस्टम वाइज हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ और दिखेगा, रेस्पिरेटरी में कुछ और दिखेगा, स्किन में कुछ अलग चेंजेस दिखेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लक्षण आएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब कार्डियोवैस्कुलर का ही डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, तो क्या दिखेगा, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दिखेगा, पाल्पिटेशन, न्यू ऑनसेट ऑफ मर्मर। जो नॉर्मल साउंड होता है वो है S1 S2, लव डव का जो साउंड होता है ऐसे साउंड आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंज आएगा MI की वजह से, एक नया साउंड सुनने को मिलेगा, वो है मर्मर साउंड। ऐसा लगेगा कि कोई दरवाज़ा, जैसे मर्मरिंग का साउंड होता है बंद करने पे या खोलने पे, उस तरीके का कुछ साउंड सुनाई देगा। पाल्पिटेशन, अपनी हार्टबीट कभी कभी खुद को सुनाई देती है, उस तरीके से कुछ फील होगा। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन होगा, रेडिएटिंग पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज जुगुलर वेनस डिस्टेंशन मे बी सीन इन द MI कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के वजह से, हार्ट क्या है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो जुगुलर वेनस क्या है, डिस्टेंड हो गया। डिस्टेंड मतलब हमको दिखाई देगा जुगुलर वेन, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि MI हुआ है, हार्ट फेलियर हो गया है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से क्या है, जो जुगुलर वेन डिस्टेंशन है वो हमको दिखेगा। तो ये सिम्टम्स दिखेंगे। नेक्स्ट सिम्टम क्या दिखेगा, ब्लड प्रेशर मे बी एलिवेटेड बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या दिखेगा आपको, एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ, बढ़ गया ब्लड प्रेशर, क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, स्टिमुलेट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या दिखेगा, एलिवेटेड, क्या होगा, एलिवेटेड। सो ये कार्डियोवैस्कुलर के कुछ सिम्टम्स मैंने बताया। नेक्स्ट वी विल नो ST सेगमेंट, टी वेव चेंजेस। ST सेगमेंट और टी वेव चेंजेस ये आपको कहाँ दिखेंगे, ECG में, क्योंकि वहाँ पे PQRST वेव्स आपको दिखती हैं, जो कि अगर नॉर्मल है तो आप बोलते हो ECG नॉर्मल है, या फिर पेशेंट का हार्ट रेट इतना है, इस तरीके से बताते हो। लेकिन कभी भी क्या है, कहाँ चेंजेस दिखेंगे इसमें, टी वेव, एलिवेटेड टी वेव होगी, ST सेगमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, इसी में चेंजेस दिखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जब आप ECG निकालोगे तब। ECG शोज टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया एंड डिसरिदमिया। ECG में क्या होगा,
एक तो ये मैंने बताया कि एसटी सेगमेंट और टी वेव चेंजेस दिखेंगे, और दूसरा मैं क्या बता रही हूँ कि इसमें क्या दिखेगा, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया और डिसरिदमिया, इस तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे. नाउ नेक्स्ट वी विल नो इन अनदर सिस्टम कि क्या चेंजेस दिखेंगे. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बताया था आपको कि सिस्टम वाइज आपको इसमें क्या दिखने को मिलेंगे सिम्टम्स. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या लक्षण दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है ब्रीथ क्या है, कम हो गई, या फिर सही तरीके से ब्रीथ, सांस ले नहीं पा रहे, हाँफ रहे हैं, इस तरीके से क्या है दिखेगा. डिस्निया में भी क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है. टैकीकार्डिया में भी क्या होगा कि जो रेट है हार्ट रेट वो क्या होगी, एलिवेटेड. ठीक है, क्रैकल साउंड आएगा. MI हैज कॉज पल्मोनरी कंजेशन, MI की वजह से पल्मोनरी कंजेशन भी होता है, क्योंकि क्या है कार्डियक आउटपुट कम है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर काम नहीं कर रहा है, तो वापस से क्या है जो ये ब्लड है वो वापस से पल्मोनरी में जा करके क्या करेगा, कंजेशन करेगा, इसलिए क्रैकल्स होगा, और जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन. ये सिम्टम्स आपको रेस्पिरेटरी में दिखेंगे, क्योंकि अगर कभी भी पल्मोनरी कंजेशन होगा ना तो दिखे तो वो लगेगा कि कुछ क्रैकल साउंड आ रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, टैकीकार्डिया और क्रैकल्स, MI कॉज पल्मोनरी कंजेशन. नेक्स्ट वी विल नो. नेक्स्ट ये इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ उसमें से क्या है, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये सब किस वजह से आ रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से. तो यहाँ पे एक ये जो आर्टरी ली गई उसको यहाँ पे ग्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है कि किस तरीके से दिख रहा है. ये यहाँ पे जो येलोइश एक्युमुलेशन है ना, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर थ्रोम्बस है, और उसी को क्या करके दिखाया गया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एक्चुअली होता क्या है. इस तरीके से ये ब्लड है जो कि पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या आ गया, ऑक्लूजन आ गया है. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी एडमा, और GI सिस्टम में क्या आएगा, नोजिया और वॉमिटिंग. GI सिस्टम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब रिलेटेड टू स्टमक. ठीक है, तो क्या आएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि रेस्पिरेटरी में आपने देखा पल्मोनरी एडमा हो रहा है, और GI सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है, नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है. नेक्स्ट जेनिटो यूनरी सिस्टम में क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, डिक्रीज यूनरी आउटपुट मे इंडिकेट कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है कि इसमें देखिए सबसे पहले सिम्टम क्या आएगा, कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का अगर शॉक होता है तो क्या होगा, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और जो ब्लड लेवल है या फिर वो कहीं से बह गया है या फिर क्या है, सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही, तो कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक के सही तरीके से काम ना कर पाने के वजह से क्या है, बॉडी में पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है. ठीक है, या फिर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट भी क्या है, डिक्रीज रहेगा. ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू दिख जाएंगे. नेक्स्ट स्किन में क्या आएगा, कूल, कामी, डायफोरेटिक एंड पेल अपीयरेंस ड्यू टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी मे इंडिकेट कार्डियोजेनिक शॉक. स्किन, अब आ जाते हैं स्किन, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में क्या है, स्किन का हम लोग स्टडी करते हैं. तो कूल, कामी, डायफोरेटिक, डायफोरेटिक का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग. कूल और कामी स्किन होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग लगेगा, पेल अपीयरेंस होगा, पेल मतलब पीला. क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ है जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है हार्ट की, और जो क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आई, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, और जिसकी वजह से कूल, कामी, डायफोरेटिक और पेल स्किन दिख रही है. नेक्स्ट आएगा डिपेंडेंट एडिमा, मतलब क्या है कि डिपेंड करता है कि एडिमा स्किन में क्या है कि प्रोटीन एग्रीगेशन की वजह से या फिर शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से क्या है, एडिमा दिख सकता है. न्यूरोलॉजिक मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल चेंजेस दिख सकते हैं, जिसमें एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड अल्टर्ड स्पीच, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिख सकती हैं. नाउ नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे MI के केसेस में, जिसमें फियर विथ फीलिंग ऑफ
इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम मतलब ऐसा लगेगा कि अब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। फियर की फीलिंग के साथ क्या क्या होगा कि ऐसा लगेगा अब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। जैसे कि इसमें बताया, और पेशेंट मे थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हिम और हर। उसको वो हॉस्पिटलाइज रहेगा, उसको पता है कि हाँ मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है, जिसकी वजह से उसको डर होगा और उसको अब ऐसा लगेगा कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, इस तरीके की साइकोलॉजिकली फीलिंग आती है। नाउ नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या है, टाइप्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के टाइप्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं कि किस रीजन में जो वो ऑक्लूजन हुआ है, हार्ट के किस रीजन में ऑक्लूजन हुआ है उसके बेसिस पे हैं। इन्फीरियर, एंटीरियर, सेप्टल, लेटरल, एंटीरियो लेटरल और पोस्टीरियर। इसमें क्या है कि ये जो हार्ट है, ठीक है, कहाँ पे, किस साइड में, इन्फीरियरली है, एंटीरियरली है, सेप्टम में है, कहीं सेप्टल बीच में है, लेटरल है, ठीक है, किनारे पे है, एंटीरियो लेटरल है या फिर पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, कहाँ पे ऑक्लूजन हुआ है, उसके बेस पे MI को टाइप्स में क्लासीफाइड कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को दिखाया गया है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है, जिसमें कि क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया है, या फिर आर्टीरियल ब्लॉकेज हो गया है, कोई बीच में कोई आर्टरी जा रही थी उसमें ब्लॉकेज हो गया है। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है कि इन्फार्क्टेड टिश्यू जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो वहाँ की सप्लाई है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है और क्या है, ब्लड फ्लो आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरीज में ही ये कंडीशन होती है बेसिकली, और क्या क्यों होती है, ब्लॉकेज की वजह से, जिसकी वजह से क्या है, टिश्यू और टिश्यू नेक्रोस दिखेंगे, आर्टरी में ब्लॉक दिखेगा। नेक्स्ट, अब इसमें सिम्टम्स देख लिया, अब सिम्टम्स आ गए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं तो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाएंगे जिससे हमें कंफर्म होगा कि आखिर ये हार्ट का कौन सा केस है, वेदर ये हार्ट का केस है भी या नहीं है, तो उसके लिए क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाना होता है। तो बेस्ड ऑन सिम्टम क्या हो गया, सीरियल 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG जिसको बोलते हैं, क्या करेंगे, मे रिवील कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस सच एज सीरियल ST सेगमेंट डिप्रेशन इन नॉन क्यू वेव MI सबकॉर्डियल MI दैट अफेक्ट्स द इनर मोस्ट मायोकार्डियम लेयर। देखिए इसमें मैंने बताया था कि जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ECG में क्या होगा कि जो PQRST वेव्स होती हैं, इन्हीं वेव में जो ST सेगमेंट होता है और जो क्यू वेव होता है, इसी में चेंजेस दिखेंगे। तो क्या ST सेगमेंट में क्या होगा, डिप्रेस्ड होगी, ST सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, और इसमें क्या होगा, एंड ST सेगमेंट एलिवेशन इन क्यू इन वेव MI ट्रांसम्यूरल MI विद डैमेज एक्सटेंडिंग थ्रू ऑल माइक्रोआर्डियल लेयर एंड ECG कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ MI अरिथमिया हाइपरट्रॉफी एंड पेरिकार्डाइटिस। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो अगर हमने ECG किया, 12 लीड ECG किया, तो उसमें किस केस में ST सेगमेंट एलिवेट रहेगा और कौन से केस में डिप्रेस रहेगा। तो और उसके साथ ECG में हम ये भी देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन लोकेशन, कौन से लोकेशन में, अभी मैंने टाइप्स में बताया था ना, एंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, तो बेस्ड ऑन लोकेशन क्या चेंजेस आए हैं, एरिथमिया हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है या फिर पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, ये क्या है, हम असेस कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में नेक्स्ट इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कार्डियक मार्कर भी बोलते हैं या फिर सीरियल कार्डियक एंजाइम एंड प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या है, मे शो अ कैरेक्टरिस्टिक राइज एंड फॉल, मीन्स इम्बैलेंस रहेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ कार्डियक एंजाइम स्पेसिफिकली CKMB एंड द प्रोटीन्स ट्रोपिनिन T एंड I एंड मायोग्लोबिन्स टू कन्फर्म द डायग्नोस्टिक ऑफ MI। इसमें क्या होगा, जो कार्डियक एंजाइम्स है या फिर जो कार्डियक मार्कर है जिसमें स्पेसिफिकली जो हम देखते हैं CKMB, ट्रोपोनिन आई और टी, इसमें क्या होगा, एलिवेशन होगा या फिर फॉल होगा। नेक्स्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, मे रिवील्स एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट एंड एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज ग्लूकोज लेवल फॉलोइंग द रिलीज ऑफ कैथेकोलामाइंस। इसमें अगर अदर लेबोरेटरी टेस्ट लैब टेस्ट को देखा जाए तो उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो क्या होंगे, उनके रेट्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, एलिवेटेड होगा, क्या होगा, एलिवेटेड होगा, और
जो फॉलोइंग क्यों हो रहा है, ये क्यों, किसको ये फॉलो कर रहे हैं, ये लेवल क्यों हो रहा है ऐसा. रिलीज ऑफ कैथेकोलामाइंस, कुछ हमारे जो बॉडी है, अगर हमारे कार्डियोवैस्कुलर में या फिर यूरिनरी सिस्टम में, जिसको आप जेनिटो यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, अगर उसमें कुछ चेंज होते हैं ना, तो कैथेकोलामाइन नाम का एक पदार्थ होता है जो क्या है, सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या है आपको जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, इसका रेट क्या है आपको एलिवेटेड मिलेगा. नाउ नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में नेक्स्ट क्या है, इकोकार्डियोग्राफी में शो वेंट्रिकुलर वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज एंड में डिटेक्ट सेप्टल और पेपिलरी मसल्स रप्चर. इकोकार्डियोग्राफी में और आप क्या देखोगे, वेंट्रिकुलर वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज एंड में डिटेक्ट सेप्टल और पेपिलरी मसल्स रप्चर. इसमें क्या हो सकता है हार्ट में, और क्या हो सकता है, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या हो सकता है, आप इकोकार्डियोग्राफी में देखोगे कि ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है पेपिलरी मसल्स, ये क्या होंगे, इनके रप्चर हो सकते हैं. आप इनको टेस्ट में या लैब टेस्ट में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो. चेस्ट एक्सरे में शो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और कार्डियोमेगैली. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या फिर कार्डियोमेगैली ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि आप इसको चेस्ट एक्सरे में देख सकते हो. इसमें क्या होगा, जब आप चेस्ट एक्सरे देखोगे तो आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट का क्या दिखेगा, हार्ट फेलियर क्यों, और ये आप कैसे गेस करोगे, क्योंकि कार्डियोमेगैली रहेगा. कार्डियोमेगैली अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का मतलब जो लेफ्ट साइड का हार्ट है उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, प्ले नहीं हो पा रहा है. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिजियोलॉजिकल जब इसका फंक्शन प्ले नहीं होता है देन पल्मोनरी कंजेशन एंड ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं. नेक्स्ट न्यूक्लियर इमेजिनिंग स्कैनिंग होता है. इसमें क्या होता है कि थैलियम 201 और टेकेंटियम 99 mm यूज़ करके, क्या इसीलिए इसको न्यूक्लियर इमेजिनिंग स्कैनिंग बोला गया, क्योंकि इसमें ये दो पदार्थ हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको यूज़ करके हम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्फार्क्शन का जो एरिया है वो कौन सा है, कहाँ है, ठीक है. और वहाँ एरिया ऑफ वाइबल मसल सेल्स, इन्फार्क्शन का जो एरिया है वो कौन सा है, और वाइबल मसल सेल्स मतलब इसमें हम जब न्यूक्लियर इमेजिन करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि कौन सा एरिया अफेक्टेड हुआ है. कार्डियक कैथेटराइजेशन में यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वॉल्व कोरोनरी आर्टरी एज वेल एज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड प्रेशर्स एंड वॉल्यूम विद इन द हार्ट. हार्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि हार्ट का कोरोनरी आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व हुई है, कौन सी कोरोनरी आर्टरी हार्ट की इन्वॉल्व हुई है, ये इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट. हम जान सकते हैं कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी क्या है इन्वॉल्व हुई है. नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में, नाउ हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लिया, हमको पता चल गया कि MI का केस है. अब MI का केस है तो कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स करने पड़ते हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे होता है. तो कुछ मेडिसिंस हैं जो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, जैसे एस्पिरिन 320 mg, ये क्या करती है, इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन. इनबिट प्लेट एग्रीगेशन आपने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि जो प्लेटलेट्स थी वो एक्टिवेट हो रही थी और वो एग्रीगेट हो रही थी, जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो रहा है. तो अगर हम एस्पिरिन दे रहे हैं तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करेगा, इनबिट करेगा. नाइट्रोग्लिसरीन फॉर फर्स्ट 24 to 48 hours, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं कफ फर्स्ट 28 to 48 hours के लिए. हिपेरिन दे सकते हैं जो कि थ्रोम्बोलाइसिस करता है. हिपेरिन क्या करता है, थ्रोम्बोलाइसिस करता है, जो थ्रोम्बस होता है उसको तोड़ने का काम करता है. तो अगर कहीं पे भी ऑक्लूजन या थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है तो क्या है, हिपेरिन की वजह से टूट जाएगा, तो थ्रोम्बोलाइसिस का काम करेगा. बीटा ब्लॉकर्स क्या करना है, स्टार्ट विद इन 12 hours, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय रिड्यूसिंग द हार्ट रेट. बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, ये हमको स्टार्ट कब करना है, विद इन 12 hours, जैसे ही सिम्टम्स दिखे या फिर जैसे ही डायग्नोस हो गया तब क्या करना है, हमको बीटा ब्लॉकर स्टार्ट कर देना है. डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या करेगा, जो मायोकार्डियम सेल्स हैं या मसल्स हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, हार्ट रेट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. क्योंकि आपने सिम्टम्स में देखा था कि जो हार्ट रेट है वो क्या हो रहा है, एलिवेटेड हो रहा था. तो नेक्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स विद इन 24 hours, 24 hours के अंदर हमको क्या देना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्योंकि आपने सिम्टम्स में देखा था कि ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, तो उसको डिक्रीज करने के लिए आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देंगे, ठीक है. नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग
जिसमें एडिटेम्बल देते हैं। एडिटेम्बल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग होता है। मतलब मैंने बताया था ना कि एरेथ्रोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बस कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, या फिर सैचुरेटेड फैट आप खा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, तो उसको लोवर करने का या फिर कम करने का काम करता है। स्टूल सॉफ्टनर देते हैं जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को ईज होता है डेली लाइफ में। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे, अगर मेडिकल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, देन वी शुड डू सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसको PTCA भी बोलते हैं। मे बी एन अल्टरनेटिव टू थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इफ इट कैन बी परफॉर्म इन टाइमली मैनर इन एन इंस्टीट्यूशन विथ प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सनल स्किल्ड इन द प्रोसीजर। ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट है और इसको हमेशा क्या है, कोई प्रोफेशनल या ऐसा पर्सनल करेगा जिसको क्या है, स्किल्ड हो, जो क्या हो, स्किल्ड हो। तो ये क्या है, ये एक थ्रोम्बोलिटिक का अल्टरनेटिव है। मतलब ये क्या कर रहा होगा, थ्रोम्बस को तोड़ने का काम कर रहा है। ये एक ऐसा सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसमें हम क्या है, जो थ्रोम्बस है उसको तोड़ते हैं और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल होगा विद द ड्रग्स। हम फिर मेडिकल मैनेजमेंट्स भी कुछ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। इट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंडिट्स, इसमें क्या होता है, विजल्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड। इसमें क्या करेंगे कि न्यू कंडिट्स का यहाँ पे मतलब होता है विजल्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, कुछ न्यू विसल्स या फिर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन लगा देंगे जिसमें विसल्स यूज करते हैं हम, जो कि क्या है, ब्लड को जो ऑक्लूजन वाला होता है वो आर्टरी ऑक्लूड हो गई, ठीक है, नए विसल्स इसमें हम क्या है ऐड कर दे रहे हैं। बिटवीन द अरोटा और अदर मेजर आर्टरीज एंड द मायोकार्डियम डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी द प्रोसीजर इन्वॉल्व वन और मोर ग्राफ्ट यूजिंग इंटरनल मेमोरी आर्टरीज स्फेनियस वेन्स एंड रेडियल आर्टरीज। ग्राफ्टिंग का सीधा सा मतलब होता है चेंज कर देते हैं, ठीक है, कहीं से कोई आर्टरी या स्फेनियस वेन या रेडियल आर्टरी ले करके उसको क्या है अनदर ट्रैक दे देते हैं ब्लड को फ्लो होने के लिए। तो जो वो ऑक्लूड वाली है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी है उसको छोड़ देते हैं और जो एनदर हम क्या करते हैं बाईपास ग्राफ्टिंग कर देते हैं कि एक अलग से रास्ता बना दिया जहां से ब्लड फ्लो होगा। नेक्स्ट, ये इस तरीके से कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं। ये हार्ट है, हार्ट में क्या है, ये ऑक्लूजन दिख रहा है, उस ऑक्लूजन को तोड़ने के लिए क्या है एक इंस्ट्रूमेंट भेजा गया और फिर क्या किया गया, वो जो ऑक्लूजन था उसको तोड़ दिया गया। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये भी एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया, बाईपास ग्राफ्टिंग, PTCA, ये सब हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसी तरीके से इसमें भी देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि क्या था, ब्लड फ्लो यहाँ पे लॉस था, एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो आर्टरी थी उसको क्या किया, उसको स्पेसियस किया गया और जो ऑक्लूजन था उसको क्या किया गया, वो ऑक्लूजन क्या हो गया, या फिर जो क्लॉग्ड प्रेशर था या फिर जो ऑक्लूजन था उसको हटा दिया गया डिस्टेंड करके, मतलब जगह बना करके। नेक्स्ट, ये यहाँ पे वही सेम चीज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं कि ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी होती है जिसकी वजह से जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं और वहाँ पे क्या है, क्यों अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट में एक और नेक्स्ट क्या है, मिनिमली इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास, जिसको MIDCA भी बोलते हैं। ये भी एक टेक्निक है सर्जरी की जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक दैट ऑफर्स द पेशेंट विथ सिंगल विसल डिजीज, जिसको सिंगल विसल डिजीज हो, तीन चार आर्टरी में ब्लॉकेज ना हो, एक किसी अगर विसल्स में ब्लॉकेज हो तब ये टेक्निक हम यूज करते हैं। द टेक्निक रिक्वायर्स सेवरल स्मॉल इन्वेजन बिटवीन द रिप्स, रिप्स में क्या है, एक छोटा सा इंसीजन करते हैं ऑफ द पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास प्रोसीजर यूजेस फुल ऑफ पार्शियल स्टेनोटॉमी टू इनेबल एसेस टू ऑल कोरोनरी विसल्स। ये प्रोसीजर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ये जान लिया है कि एक ही विसल में प्रॉब्लम है, एक ही विसल है जिसमें ब्लॉकेज है, देन उस टाइम पे स्टर्नोटॉमी करते हैं। स्टर्नोटॉमी में क्या करते हैं, रिब्स के बीच में जो स्टर्नम होती है उसमें क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं
उसको हल्का सा हटाते हैं और फिर वहाँ से क्या है बाईपास मतलब एक रास्ता बनाते हैं और फिर उसको पूरी तरीके से हम क्या करते हैं जो कोरोनरी वेसल्स है उसको देखते हैं और फिर वहाँ से ब्लॉकेज को क्या करते हैं डायरेक्टली हटा लेते हैं। इसीलिए जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है उसको नाम दिया गया है मिनिमली इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ये भी एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट में ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रीवेस्कुलराइजेशन। इट इज़ एन इनडायरेक्ट रीवेस्कुलराइजेशन। जो लास्ट वाला हमने देखा था वो क्या था, डायरेक्ट प्रोसीजर था। ये क्या है, इनडायरेक्ट रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर है यूज फॉर द पेशेंट विद एडवांस सीएडी। सीएडी का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हु आर नॉट कैंडिडेट्स फॉर ट्रेडिशनल प्रोसीजर। जितने भी प्रोसीजर मैंने अभी तक बताए अगर ये सारे प्रोसीजर्स उनके साथ नहीं किए जा सकते देन हम लोग क्या करते हैं ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रीवेस्कुलराइजेशन के साथ जाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट प्रोसीजर होता है और ये ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जो जिनका क्या है जो सी ए डी कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है एडवांस स्टेज पे हो, ऐसे पेशेंट के साथ ये रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर करते हैं। रीवेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है दोबारा से बनाना किसी जो वेस्कुलर सिस्टम है उसको फिर से फॉर्म करना। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। हमारे जो मैनेजमेंट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के वो तीन टाइप के होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हम दवाइयों का या फिर मेडिसिन का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट देखे हैं जिसमें हम लोग क्या है सर्जरी का या फिर इन्वेस्टिव प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या है कि ऑपरेशन जिसको बोल सकते हैं प्रोसीजर्स यूज होते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, नर्सिस का ये क्या काम होता है, क्या कर सकते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट में, टीचिंग अबाउट एंजाइना। एंजाइना क्या होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंजाइना में क्या होता है, पेन। पेन कहाँ, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होता है, क्यों होता है, क्योंकि कार्डियक में कोई प्रॉब्लम आ गई है जैसे कि एमआई हो गया या फिर क्या हो गया कि कोई सेल डेथ हो गई, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगा तब क्या होगा पेन होगा। कैसा पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइड से होता हुआ क्या होगा आर्म पे और शोल्डर तक रेडिएट होगा। तो ये पेशेंट को पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई पेन हो रहा है तो मे बी इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी, कोई कार्डियक कंडीशन है, मे बी एमआई हो, मे बी एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो, मे बी हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके बारे में बताना है कि एक्चुअली एंजाइना क्या होता है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एंजाइटी, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में मैंने बताया था कि पेशेंट सोचता है कि अब मुझे पता नहीं क्या होने वाला है या एमआई हो गया अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो आपको उस एंजाइटी को कम करना है। ये नर्सेस का काम होता है कि वो जो पेशेंट को एंजाइटी हो रही है उसको कम कर रहे हैं। कैसे कम हो सकती है, जो भी प्रोसीजर्स हैं जो भी मेडिसिंस हैं उनको खाने के बाद पेशेंट ठीक हो सकता है और आगे क्या प्रोग्नोसिस होगी, या फिर अगर सर्जिकल मैनेज अगर मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं आ रहा तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें पेशेंट को बता करके एंजाइटी को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग पेन में आप डाइवर्जनल थेरेपी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चेस्ट पेन है तो ड्रग्स यूज़ करनी पड़ेगी, नाइट्रोग्लिसरीन जैसे मैंने मेडिकल मैनेजमेंट में बताया आप यूज़ कर सकते हो। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन पेन के लिए होती है इसलिए सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन खुद से ले सकता है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो ओरली लेते हैं, सबलिंगुअल लेते हैं, टंग के नीचे जो ड्रग होती है उसको रखते हैं और रखने की बात क्या उसके घुलने का वेट करते हैं और फिर क्या करता है जो मेडिसिन होती है वो अपना काम करता है और पेन को रिड्यूस करता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये तो है कि पेशेंट के लिए हमारा क्या काम है, फिर पेशेंट के लिए और भी कुछ काम है जैसे कि पेशेंट का जो राइट्स है वो फॉलो करना कि सही टाइम पर ड्रग होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको क्या करना है मेडिकल इमरजेंसी मानते हुए क्या करना है हॉस्पिटल आना है या फिर डॉक्टर से अगर फॉलोअप का केस है, जैसे पहले ही पता है कि हाँ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर फॉलोअप का केस है तो क्या है डॉक्टर के पास आना है। तो ये सारी चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट में आती है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है, अगर एमआई हो गया है पेशेंट को उसकी सर्जरी होनी है, देन उस टाइम पे नर्सिस का क्या काम होता है पेशेंट को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना साइकोलॉजिकली और फिजिकली। साइकोलॉजिकली क्या है पेशेंट को बताना कि हाँ आपके साथ ये प्रोसीजर होगा और इसके बाद आपकी कंडीशन ये होगी, फिर धीरे धीरे प्रोग्नोसिस होगी और आप ठीक हो जाएंगे, इस तरीके की कंडीशन उनको एक्सप्लेन करनी। फिजियोलॉजिकली क्या होता है, पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज कराना, अगर ज्वेलरी या फिर कोई उन्होंने वैल्यूएबल थिंग्स पहन रखी तो वो उनके फैमिली को हैंड ओवर करना, पेशेंट को ड्रेसिंग देना कि जो ओटी ड्रेस होती है वो देना, और फिर ड्यूरिंग द ऑपरेशन या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या है पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, पेशेंट के बीपी को चेक करना, वाइटल साइंस को पूरा मॉनिटर करना, पेशेंट की क्या कंडीशन है ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो पूरा मॉनिटर करके चार्ट करना, ये सारा काम क्या होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा।
सो हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, MI के कॉम्प्लिकेशंस होना ज़रूरी नहीं है, MI को ट्रीट भी कर सकते हैं। और MI को ट्रीट करने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट हम तीनों का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। और इस क्लास में मैंने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बताया, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कैसे कॉज हो रही है डिजीज़ कंडीशन, ये मैंने बताया, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, प्रिवेंशन के लिए अगर आपको पता चल रहा है कि क्या कारण है तो उन सारे कारणों से दूर रहना उचित होगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। और ऐसे नई लाइव क्लासेस के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल RGCSK.edu को फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।